जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मा हफीज है और आज जो है मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनमें तारिक तनवीर साहब हैं, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, और जुनेद साहब हैं जो कि यूनिट हेड हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया मेरे सेशन में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है वुमेन एम्पावरमेंट पे और वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपने बल्कि टॉपिक में भी देखा होगा, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जुनेस साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। थोड़ा सा हमें जो है वो, क्योंकि हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कि ऑलरेडी कुछ बिजनेसेस कर भी रही हैं और वो अपने बिजनेसेस को ग्रो करना चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कि अभी अपना फ्यूचर में स्टार्ट एक लेना चाहती हैं, अपने स्टार्टअप्स के लिए जो है वो सोच रही हैं, लेकिन उनको जो है वो फाइनेंशियल एड ना होने की वजह से वो अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले तो हमें बता दें कि ये जो वुमेन फाइनेंशियल इंक्लूजन है ये क्या है, थोड़ा सा इसकी बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें इनवाइट किया कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को दे सकें और उनको बता सकें कि कुछ जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है वो उसको हम कैसे सर्व कर सकते हैं पर डेवलपिंग मोर देयर पार्ट इन नेशनल इकोनॉमी। अगर हम पाकिस्तान का ओवरऑल डेटा का थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो हमारी 52% पॉपुलेशन जो हमारी फीमेल्स है उसके अंदर हमारी 22 से 25% जो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं फीमेल्स। और अगर इस रेशियो को हम कंपेयर करते हैं वर्ल्ड की जो वर्क फोर्स लेबर है जो फीमेल्स पॉपुलेशन के ऊपर कंप्राइज करती है तो पाकिस्तान की रेशियो वर्ल्ड में द लोएस्ट इन नंबर्स में है, तो जो बहुत अलार्मिंग कंडीशन है। अगर हम अपने साउथ एशियन रीजन्स का कंपैरिजन करते हैं तो इसके अंदर अगर हम फीमेल्स का एनरोलमेंट देखते हैं बैंकिंग सेक्टर सेक्टर के अंदर तो हमारा जो इंडियन है जो पॉपुलेशन फीमेल्स की है उनका 76% पॉपुलेशन है जो बैंक चैनल है उसके अंदर 76% शेयर फीमेल्स का है। इसी तरह श्रीलंका है हमारा उसका 73% है, नेपाल 41% उनका जो बैंकिंग चैनल है उसके अंदर फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है। बट कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे कंडीशन इतने अच्छे नहीं है क्योंकि हमारे पास 7% है फीमेल का कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर के अंदर और हमारी इकोनॉमी के अंदर फीमेल्स की पार्टिसिपेशन सिर्फ 20% है, तो जो कि बहुत अच्छे फिगर्स नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो 52% टोटल का हमारा शेयर, मोर देन हाफ जो फीमेल पॉपुलेशन है, तो ये वो सेक्टर है जो अनटैप्ड है। हिलरी क्लिंटन का एक कॉल था कि फीमेल आर द मेजर अनटैप्ड रिजर्वायर ऑफ टैलेंट इन वर्ल्ड, तो इसी को लिखते हुए हमारे नेशनल बैंक ने इस चीज को रियलाइज किया है कि हम उस सेक्टर को टैप करें जो अभी तक अनटैप्ड है और उसको हम बैंकिंग चैनल में लेके आए ताकि हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर जो उनका रोल है हम उसको कंट्रीब्यूट करा सकें। जो हमारा ये प्रोग्राम है फाइनेंशियल इंक्लूजन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की प्रमोशन, तो इसको समझने से पहले हम ये समझना जरूरी है कि वुमेन एम्पावरमेंट है क्या और फाइनेंशियल इंक्लूजन और वुमेन की जो एंटरप्रेन्योरशिप है ये है क्या। बेसिकली बहुत सारी मिसकंसेप्शन है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर डिफरेंट हमारी चल रही है, अगर उस पैस में जाएंगे तो ये लंबी बात हो जाएगी। अगर इसको हम समराइज करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी जो फीमेल्स पॉपुलेशन है उनको हमने ट्रेन करना है टू इनिशिएट टू इनोवेट एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एक्टिविटी, वो कोई भी हो सकती है। ये है हमारी जो नेशनल बैंक का मोटो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो एक ऐसा मोटो है कि जिसके अंदर आप जैसे आपने स्टार्ट में ब्रीफिंग में बताया कि वो फीमेल्स जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रही हैं थोड़े लेवल्स पे है, अपने रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और कुछ हमारे सोशल बैरियर्स भी हैं फीमेल के बिजनेस के अंदर इन होने में, तो उनको अगर वो एक्सपैंड करना चाहती हैं तो फाइनेंशियल एड नहीं होता और उनको पता भी नहीं होता कि वो कौन कौन से सेक्टर्स में जाके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकती। और दूसरा सेगमेंट हमारा वो पॉपुलेशन है जो हमारी होम हाउस वाइफ्स हैं या उनके पास कुछ स्किल्स है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती, उनको बिजनेस स्टार्टअप्स के लिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे। इसके अंदर उनका नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज भी है, साथ के लोन से पहले वो मेंटली तैयार करना है कि बिजनेस सेटअप कैसे करते हैं। ये ओवरऑल समराइज हमारा टोटल एक प्रोजेक्ट है जिसको नेशनल बैंक लेके चल रहा है ताकि
ताकि हम जो अनटैप्ड फीमेल पॉपुलेशन है उसको हम बैंकिंग नेट में लेके आ पाए। जी थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी, उनमें स्किल्स भी हैं और पोटेंशियल भी है, लेकिन वो एक स्टेप नहीं ले सक रही हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और उसकी मेन वजह यही है कि फाइनेंशियल एड ना होने की वजह से, जिसके जो कि बहुत ही एक अच्छा स्टेप लिया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। अच्छा, बहुत सारे बैंक्स हैं जो डिफरेंट लोन्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फीमेल्स के लिए स्पेशली ये स्टेप लिया है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या कोई एक स्पेशल कोई ऑफर्स हैं या स्पेशल पैकेजेस हैं जो फीमेल्स के लिए ऑफर किए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अगर हम इसको नेशनल बैंक के पराए में आप देखेंगे तो हम एक प्रॉपर प्लानिंग और टीम के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर 37 रीजन्स को डिवाइड किया है हमारे नेशनल बैंक ने। हमें हर रीजन्स के अंदर किसी में दो, किसी में तीन और किसी में एक एक डेडिकेटेड फीमेल स्टाफ को हमने ट्रेन करके एज अ वुमेन चैंपियन अपॉइंट किया है। उनका बेसिक काम सिर्फ होगा कि हमारी जो फीमेल क्लाइंट्स हैं, क्योंकि कुछ हमारा जो सोशल बैरियर्स हैं मेल और फीमेल की कम्युनिकेशन के, तो वो अनईजी फील करती हैं बैंकिंग में मेल्स के साथ इंटरेक्ट करने में, तो हमने एक डेडिकेटेड फीमेल स्टाफ रिसोर्स को अपॉइंट किया है हर रीजन के अंदर। वो सिर्फ फैसिलिटेशन देगा, एक्टिविटी देगा, साथ में मोटिवेशन देगा, और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कोई भी उसको हेल्प चाहिए फीमेल को, उनको कोई गाइड चाहिए, वो उसको प्रॉपर वो प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म। और साथ में हम उसको दे रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये दो पिलर हैं जिसके ऊपर आप अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर हम उनको नॉन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि उनको बैंक में आने से पहले ये मेंटली तौर पे तैयार करना जरूरी है कि बैंकिंग के अंदर आपको जाके किन डॉक्यूमेंट्स के साथ इन होना है। अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो आपको पहले पता होगी। अगर आपने बिजनेस अपना रजिस्टर्ड करना है FBR में या CCP के अंदर जाके, तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आपने अपना बिजनेस प्लान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आपने वो प्रिपेयर करनी है एज पर बैंक स्टैंडर्ड, तो वो आपने कैसे करनी है, इन सारे पिलर्स को हम देखते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी हमें, ये हमारी फीमेल्स को मेंटली तौर पे गाइड करेगा कि ये क्या क्या डिमांड कर सकती हैं अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म को पूरा करने के लिए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं नेशनल बैंक, उसमें वन ऑफ समीटा है और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, ये दूसरे डिफरेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहा है बात, जो हमें 1 या 2 डेज का ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे हमारे फीमेल क्लस्टर्स को जो हमारे साथ ऑनबोर्ड होना चाहते हैं। उसके अंदर टोटल ही मॉड्यूल कवर होगा, राइट फ्रॉम के स्टार्ट से अकाउंट ओपनिंग से लेके बिजनेस आइडिया एस्टैब्लिश कैसे करना है, NTN कैसे लेना है, टैक्स के मामला कैसे हैं, फिर बैंक को कैसे डील करना है, और सबसे बड़ी बात कि अपने फाइनेंस को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है ताकि आप बिजनेस भी डेवलप कर सकें और बैंक को रीपे भी कर सकें। ये सारे मामला जब हो जाएंगे देन हम आगे मूव आउट करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, जब हम उनको ऑफर्स करेंगे डिफरेंट लोन्स के प्रोडक्ट, डिफरेंट सेविंग स्कीम्स। अभी रिसेंटली जो हमारे पास मेन इशू होता है फीमेल क्लाइंट्स का, सबसे बड़ा है कि जी उनके पास एसेट्स नहीं होता। हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड नहीं है कि हम फीमेल्स के नाम पर कोई प्रॉपर्टी करें, मोस्टली हमारा मैन ओरिएंटेड एसेट्स जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा होता है। तो सबसे पहले कि हमने फीमेल्स का ये बैरियर खत्म करना है, और दूसरा फीमेल्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी थोड़ा ओपनली अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये बेटर है, क्योंकि हमारे पास जो मार्केटिंग में जो इशू आता है जब हमारी टीम रब्ता करती है तो वो नंबर फीमेल का डायरेक्ट नहीं होता, वो किसी जेंट मेल पार्टिसिपेंट के घर में फादर, भाई या हस्बैंड का होता है। तो पहले हमारे मार्केटिंग स्टाफ को तो 15-20 मिनट इस काम में लग जाते हैं कि वो उसको जस्टिफाई करने के लिए कि जी मैं कौन हूँ और फीमेल से बात क्यों करना चाह रहा हूँ। तो अगर ये बैरियर्स होंगे तो बैंक कैसे फीमेल तक आउटरीच करेगा। और दूसरा हमारे पास बैरियर होता है कि जब बिजनेस प्लेस हम विजिट करते हैं तो मोस्टली वो हैंडल मेल्स कर रहे होते हैं फीमेल्स की जगह पर, तो तब भी बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है हमारे मार्केटिंग टीम को। तो ये मैं दोनों के लिए बैलेंस करने की ज़रूरत है कि फीमेल्स को भी चाहिए कि मेल एक कोई ऐसी खौफनाक चीज़ नहीं है जिनसे इंटरेक्ट करते हुए आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हो, और मेल्स के लिए भी साइमल्टेनियसली यही है कि फीमेल को ऐसी चीज़ नहीं है जो खाने के लिए है या कुछ ऐसा है। अल्टीमेटली दोनों पॉपुलेशन से इनको हमने साथ लेके चलना है, इसके बगैर अगर हम इनको इग्नोर करेंगे, इनको ऑन बोर्ड मेन स्ट्रीम में नहीं करेंगे तो हम इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सकते। अभी जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि लोन स्कीम बाकियों से डिफरेंट कैसे है, अभी आपने मोस्टली देखा होगा कि जब आप बैंक जाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपसे पूछता है सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सिक्योरिटी क्या देंगे, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आप लोन वापस करेंगे,
हम इस सब को देखते हुए हमने एक कामयाब जवान के नाम से एक बड़ा पोर्टफोलियो डेवलप किया है। अभी इसमें हम रिसेंटली फीमेल फोकस फाइनेंसिंग कर रहे हैं, अप टू 1 मिलियन हम फाइनेंस कर रहे हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोअर्स। इसका 3% मार्कअप है, 8 साल में रिपेमेंट टाइम। अगर आप माइक्रो फाइनेंस से इसको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत सस्ता है इस हिसाब से, क्योंकि आपकी माइक्रो फाइनेंस ऑफर कर रही है आपको 29% पे, 30% पे, और 1 ईयर 2 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है। तो इसमें बड़ा रिलैक्सेबल टाइम है, साथ में 6 मंथ का ग्रेस पीरियड भी ऑफर होता है कि आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद बैंक को रीपे करें अपने पैसे कमा। ये एक ओवरऑल डिफरेंट, हमारे पास 5 से 6 डिफरेंट फीमेल ओरिएंटेड जो स्कीम्स हैं वो लेस मार्कअप पे हैं, कुछ 5 पे है, कुछ 3% पे हैं, वो वेरी करता है आप किस स्कीम में लेना चाह रहे हैं। लेकिन फीमेल्स के लिए हमारा बैंक अभी प्राइमरीली फोकस है कि हम भी वुमेन्स को एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए खड़े हैं, और हमारा प्रॉपर एक डेडिकेटेड डिवीजन इसके ऊपर, पूरी टीम और पूरे पाकिस्तान में 50 पार्टिसिपेंट की हमारी टीम है जो इस टोटल प्रोजेक्ट्स को देख। जी, थैंक यू सो मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, और एक पॉइंट जिस जो आपने बताया, कांडली अपना माइक म्यूट अगर करते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए आपने एक फीमेल स्टाफ पूरा हायर किया है जो कि उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है, क्योंकि हमारे जो है वो एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो फीमेल्स हैं वो उन्होंने वो इंटरेक्शन नहीं कर सकती, और बैंक वो खुद इसीलिए नहीं जाती क्योंकि आगे जो है उनको मेल्स के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है। तो नेशनल बैंक ने बड़ी अच्छा ये जो है वो एक स्टेप लिया है कि आपका फीमेल स्टाफ है जिनके साथ फीमेल्स इंटरेक्ट कर सकती हैं, और वो अपने जो है वो एक आराम से कंफर्टेबल होकर उनसे बात कर सकती हैं। तो आई थिंक अगर इतना बड़ा स्टेप फीमेल्स के लिए लिया जा रहा है तो दे शुड कम इन फ्रंट, और वो अपने जो है आपको जैसे आपने बताया कि हमारी फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने हस्बैंड्स, अपने भाइयों, अपने फादर्स के साथ खड़ी हों, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में अगर आपने अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो हमारी फीमेल्स को जो है वो, और अब तो बल्कि घरों से भी निकलने की ज़रूरत नहीं, जो कि हमारा एक माइंडसेट है कि हमने घरों से फीमेल्स को निकलने ही नहीं देना, तो अब तो बिजनेसेस और सारा कुछ ऑनलाइन आ गया, आप घर बैठ के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो कर रही हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस कर रही हैं, उसके बारे में मैं आप आगे आगे आपसे पूछूंगी कि किस तरह से डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो घर बैठ के फीमेल्स कर रही हैं, और उनको कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी जो चार दीवारी है उसी के अंदर बैठ के काम करें, लेकिन काम जरूर करें, स्टार्ट जरूर करें, कोई इनिशिएटिव जरूर ले लें। अपने तारिक साहब से पूछना चाहूंगी कि तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। आप जिस तरह से एग्री टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ तो सारा जो अक्सर समझा जाता है कि फार्मर्स हैं, और जैसे ही एग्रीकल्चर का नाम आता है तो एकदम से फार्मर्स जहन में आते हैं, और यही आता है कि लैंड पे फार्मर्स काम कर रहे हैं। तो इसमें जो फीमेल्स हैं उनके लिए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि वो भी स्टार्ट कर सकती हैं? हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर के शोबे में पढ़ रही हैं, और जब वो अपने यूनिवर्सिटी से डिग्रीज लेकर निकलती हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको वो अवेल कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उज़्मा आपका, और जनेब भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बड़ा अच्छा इसके ऊपर देखिए, जो विमेन इम्पावरमेंट की बात है तो हमारा मानना है कि हर खातून को सोशली और इकोनॉमिकली बहुत मजबूत होना इस माशरे में बहुत जरूरी है। इस माशरे में तो इसके लिए हमने ये एक बड़ा नारा लगाया था कि किसान धूप में अपने खेतों में खड़े होके चीजें ग्रो कर सकते हैं, अपनी फसलें ग्रो कर सकते हैं, तो खवातीन घर में बैठ के छाव में बैठ के उसको वैल्यू एड्स क्यों नहीं कर सकती। इसी के ऊपर हमने ये काम शुरू किया था कि खवातीन को हम वैल्यू एडिशन के ऊपर उनकी ट्रेनिंग कराएं, कि बजाय वो उसको अपना रॉ मटेरियल बेच के वो उसको कुछ भी नहीं कमा पा रहे, तो वैल्यू जो खवातीन हैं जो हमारी, वो वैसे तो फार्मिंग पॉपुलेशन हमारी कहते हैं कि 70% पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान में फार्मिंग के साथ हमारा तल्लक है, तो उनकी जो फैमिलीज हैं जो वो ग्रो करते हैं उसको वैल्यू एड्स करते हैं उसके अंदर। तो जैसे होममेड इंडस्ट्री है बहुत सी, अगर हम बात करें तो होममेड फूड की जो इंडस्ट्री जिसमें जैम है, स्क्वाशेज हैं, सिरका जात है, अचार्स हैं, पिकल्स हैं, बहुत सारी चीजों के, तो ये एक छोटी होम इंडस्ट्री है जिसको कॉटन इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है। तो ये खवातीन के लिए बड़ी जबरदस्त है कि वो अपने जो है ना हस्बैंड के या भाइयों के जो ग्रो किए फूड को वैल्यू एड्स कर दे घर में बैठ के।
और उसको अच्छी ब्रांडिंग के साथ, अच्छी पैकेजिंग के साथ उसको जो है ऑनलाइन सेल करें। जैसे अभी आपने बात की, अब तो घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही हर चीजें जो है ना वो सेल हो रही है। इवन देन हमने जो अभी लालपुर फार्मर्स मॉल का जो कॉन्सेप्ट एग्री टूरिज्म में दिया, उसका भी बुनियादी मकसद यही था कि हम फार्मर को कंज्यूमर के साथ जो है ना इंटरेक्ट कर दे, एक जगह पे उनकी कनेक्टिविटी डेवलप कर दी जाए। तो उसमें जो मेजर जो अभी हम देख रहे हैं, जो वहाँ पे जो पिछले एक साल वो खवातीन ने बहुत सारा अडॉप्ट किया, कोई 70% खवातीन वहाँ पे हमारे साथ काम कर रही है। जो स्पाइस शॉप की हमारे जो ब्रांड है वो भी खवातीन ने बनाया वहाँ पे। अभी वहाँ पे हमने एक बुटीक का भी इनिशिएट कर दिया है कि वो खवातीन वहीं पे सीख रही हैं और वहीं पे लावा के अपनी चीजें जो है ना वो बेच रही हैं। इसमें हैंडीक्राफ्ट को हमने बहुत ज्यादा जगह दिया है कि जो खवातीन घर में बैठ के हैंडीक्राफ्ट बनाएं, बहुत सी हमारी जो ऐसी चीजें हैं जो उसको बना के तो वो उसको सेल करें। फिर इसमें अभी जो फार्मिंग की बात करें, जो पढ़े लिखी खवातीन है उनके लिए अगर हम देखें तो हनी बी फार्मिंग हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो खवातीन बड़े आराम से इसको हनी बी फार्मिंग में आ सकती है। मशरूम्स फार्मिंग हमारा एक ऐसा काम है, मशरूम पाकिस्तान में एक समझे कि अभी ग्रो करने वाले बहुत थोड़े हैं, लेकिन खाने वाले बहुत लोग हैं, इम्पोर्ट ही हम बंद नहीं कर पा रहे। तो मशरूम की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो सिर्फ कमरे में ग्रो करके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपया जो है इसे जो है ना जर मुबादला भी कमाया जा सकता है, और बल्कि अपनी जो हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी इसमें बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर मशरूम की वैल्यूडेशन में बात करें तो मशरूम का पिकल्स है, फिर मशरूम में एक मेडिसिनल मशरूम जो हर्बल मशरूम का एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा दुनिया में बड़ा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जैसे जो बैंक्स को इसमें इस तरह की इंडस्ट्री के लिए जो है ना वो स्पेशली कोर्स डिजाइन किए जाएं, जिसमें एग्री टूरिज्म इनको पूरा इनके साथ ऑलरेडी हम MOU में जाना चाह रहे हैं कि हमारे जो हम जो लोगों को खवातीन को ट्रेनिंग्स दें, उनके लिए अगला मरहला फिर फाइनेंस का आता है। तो अगर बैंक्स देना चाहे, वैसे तो हमारे साथ बहुत से चैरिटी के अदारे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो लोग जो लोगों को दस्तरखान बनाए हुए थे, वो जो लोगों को खाना खिलाते थे, अब वो बड़े कन्विंस्ड हैं कि हमने खाना खिलाने के बजाय उनको मछली पकड़ने का तरीका सिखाना है लोगों को। अब इसके लिए भी हमारा उन लोगों के साथ भी बड़ा अच्छा इंट्रैक्शन डेवलप हो रहा है कि वो जो हम होम इंडस्ट्री लोग खवातीन को सिखा रहे हैं, इसके लिए बैंक्स इनके साथ उनको फाइनेंस करे, या वो जो चैरिटी के अदारे हैं जो इंडिविजुअल्स लोग जो है किसी की हेल्प करना चाहे, तो उनके लिए ऐसी खवातीन जो है वो जो इन काम को सीख लें और आगे अपने जो है ना वो इसको लेके अपने बिजनेस को लेके जाना चाहे, तो उनके लिए इन अदारों का आना बड़ा जरूरी है। तो इससे इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो खवातीन हैं ये अपना भरपूर किरदार अदा कर पाएंगी और अपने फैमिली के लिए जो है ना एक बाइज्जत रोजगार का जरिया भी भरेगी। तो ये पिछले दिनों हमने, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बायोफ्लाग फिश टेक्नोलॉजी एक हमने इसके ऊपर काम किया। बायोफ्लाग फिश टेक्नोलॉजी जुनेद साहब आपके लिए भी इसको आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। ये एक छोटा सा बायोफ्लाग का यूनिट होता है जो कोई 10 square feet का जो है ना वो बड़े आराम से एक पाउंड है, जो छत पे लगाया जा सकता है, घर के अंदर लगाया जा सकता है, सेन में लगाया जा सकता है। तो उसे 500 kg मछली जो है ना वो एक जो है ना 10 feet जो इसे पॉड से वो बनाई जा सकती है। अभी आप गूगल पे जाएं तो बायोफ्लॉग फिश टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो वो बड़े आराम से आ जाएगा। तो ये इस तरह की छोटी छोटी टेक्नोलॉजी जो है ये खवातीन को सिखाना भी आसान है और उनके लिए करना, चूंकि वो घर में ही होती हैं तो इसके लिए 24 hours उसको लुक आफ्टर करना होता है, तो इनके लिए बहुत आसान है इस तरह की इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लेना। तो हमने एक यहाँ पे एक अदारा है जो दस्तरखान के ऊपर काम कर रहा है, तो उन्होंने लोगों को कहा कि हम उनको फिश खिलानी है हमें उनको, तो फिर उन्होंने हमें कहा कि कहाँ से ले, तो हमने फिर उनको ये इनके साथ जोड़ा कि आप खवातीन को घर में इस तरह के पॉट बनवा दें और सारी फिश जो है ना आप उनसे खरीदे और उनको जो है ना अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाए, तो उनको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, आप इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। तो वही खवातीन जो है उनको उन्होंने जो बेवा औरतें थी या डिग्री होल्डर बच्चिया जो डिग्री लेके फिर रहे थे लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उन्होंने फिर उनको स्पेशली फिर ट्रेनिंग दिलाई पहले उनको, और उसके बाद उन्होंने उनके घरों में 50,000 rupees का वो 40,000 rupees यूनिट लगते थे, बड़ा छोटा सा यूनिट होता है, तो उन्होंने उनको यूनिट लगा दिया। अब उनकी टोटली जो है जो आउटपुट है जो उनकी प्रोड्यूस है वो सारी वो उठा रहे हैं, एक एक बंदा सारी प्रोड्यूस उठा रहे हैं। तो लाइक इस तरह के ये छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं जो बड़े सक्सेसफुल मॉडल है और
अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए बाकी और शहरों में और बाकी और जगहों पे, तो इसके बहुत बड़े फायदे जो है, बहुत बड़ा इंकलाब आ सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी कॉटन इंडस्ट्रीज हैं एग्रीकल्चर के अंदर, इसमें बहुत पोटेंशियल है, खवातीन इसके में आना चाहिए। और हमारी जो इवन मैं एक और बड़ी सक्सेस स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी हमारे साथ खातून जुड़ी हैं जो साग और मकई की रोटी को उन्होंने ब्रांड किया है। अब साग जो है ना बनाना शहरों के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, वो खवातीन ही पता नहीं किधर चली गई जो बड़ा अच्छा साग बनाती थी, क्या इनके पास टाइम नहीं है क्या वजह है। तो उन्होंने 1/2 kg का एक पैक बनाया, बड़ा अच्छा साग बना के प्रीपेड करके, तो उन्होंने उसको सेल करना शुरू किया। तो नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरा ख्याल है कोई 1-1.25 लाख रुपए का महीने का वो साग जो है ना वो बड़े आराम से बेच रहे। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है ये होममेड फूड की इंडस्ट्री है, तो इट्स अमेजिंग पोटेंशियल इसमें। और हम एग्री टूरिज्म जो है हमेशा से ऑफर करते हैं कि हम इस तरह के जो कोर्स हैं या इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे अवेलेबल होती हैं हर टाइम में। और अगर पैक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हम इन लोगों को खवातीन को ट्रेनिंग के बाद इनके साथ जोड़ सकते हैं ताकि उनका जो अगला फाइनेंस का अगर किसी जगह पे इश्यू आता है तो वो। जी थैंक यू सो मच ताहिर साहब, आपने बड़ी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताई हैं। जैसे कि आपने बताया कि फिश पॉन्ड्स जो हैं वो अपने घर में बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा जैम्स हैं और पिकल्स हैं, अ लॉट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो कि रिलेटेड हैं हमारी एग्रीकल्चर से। तो फीमेल्स जो हैं वो अपने घरों में ये काम करके और जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकती हैं, अब उनको बाहर जो है वो निकलने की ज़रूरत भी नहीं है। और अभी जैसे कि आपने बात की थी कि बेसिक ट्रेनिंग्स जो हैं वो आप प्रोवाइड करें, इसी तरह से जुनेद साहब जो हैं वो बताएंगे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेप लिया है, एक यूनिट है, इनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें ये फीमेल्स, ऐसी फीमेल्स जिनके पास जो है वो ना तो स्किल्स हैं और ना ही वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, स्पेशली हमने उन फीमेल्स जो हैं उनको कैसे हम जो है वो इतना एम्पावर कर सकते हैं और कैसे उनको वो स्किल सिखा सकते हैं ताकि वो जैसे कि बेसिक, अब उन्होंने ऑनलाइन अगर सेलिंग करनी है तो उनको FB पेज बनाना आना चाहिए, उनको अमेजोन से रिलेटेड पता होना चाहिए कि अमेजोन पे हम जाके किस तरह से अपने स्टोर्स बना सकते हैं, दराज पे जाके हम अपनी कैसे शॉप्स बना सकते हैं और वहाँ पे जाके हम अपनी कैसे चीज़ें सेल कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो आपका एक स्किल बेस्ड रिलेटेड, जैसे कि आपने बताया कि बेसिक स्किल सिखाई जाए जहाँ पे फीमेल्स को, उससे रिलेटेड बताइए कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसके लिए क्या स्टेप लिया। थैंक यू वेरी मच, तारिक साहब ने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है। बल्कि तारिक साहब से मैं यही कह रहा था कि जब फैसलाबाद में मेरी पोस्टिंग थी तो मैं बेसिकली एग्रीकल्चर देख रहा था एज अ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, तो हम काफ़ी डिस्कस किया था हमने इसके ऊपर कि हम फार्मर्स के साथ कैसे नेशनल बैंक और एग्रो टूरिज्म एक MOU साइन करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके वैल्यू एडिशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो लकीली हम तो थोड़ा शिफ्ट हो गया, मैं इधर पोस्टेड हो गया, तो अब हम इंशाल्लाह इनके साथ फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनकी खिदमात लेंगे। अभी जैसे ये बता रहे थे कि होममेड कुछ बिजनेसेस हैं, अभी रिसेंटली हमने एक प्रपोजल प्रोसेस किया गिलगत से, वो एक स्टूडेंट है हमारी, 22-23 इसकी एज होगी, वो ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट थी, उसके जो एरिया के अंदर 45-50 जो हमारी फीमेल्स होम बेस्ड हैं वो ड्राई फ्रूट्स का काम करती थी, उनकी प्रोसेसिंग पैकिंग और ब्रांडिंग। तो उसमें से मेजर पोर्शन जो मिडल मैन जैसे हमारी हर मार्केट में होता है कि मेजर शेयर ले जाता है प्रॉफिट का, तो उस स्टूडेंट ने वो एक अपना ई कॉमर्स पेज डेवलप किया और उसके ऊपर उस 45 फीमेल्स की डायरेक्टली शॉप ओपन कर दी उसने, जस्ट लाइक दराज जैसे हम दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे होते हैं। तो उसने फिर के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डायरेक्टली उन फीमेल्स तक पहुंचना शुरू हो गया। ऐसे ही फिर उसको हमने फाइनेंस भी किया इस प्रोजेक्ट को, अभी रिसेंटली हमारे पास वो आया था पिछले वीक में, अभी इसी वीक में हमने एक हैदराबाद के अंदर फीमेल का क्लस्टर आइडेंटिफाई किया है जो होम हैंडीक्राफ्ट बनाती हैं, जैसे सिंध का बड़ा एक मशहूर बेडशीट टाइप रली होती है, वो बाहर आप मॉल्स में जाते हैं तो बड़ी महंगी मिलती है आपको, एक एंटीक टाइप होती है, लेकिन जब आप लोकली जो बनाती हैं वो तो बस औने पौने पैसों में दे रही होती हैं, और साथ में वो खजूर के कुछ जो किचन अप्लाइंसेज हैं हमारे हैंडीक्राफ्ट हैं वो छाबे होते हैं, इस तरह की चीज़ें कुछ डेकोरेशन पीसेज हैं जो खजूर से वो डेवलप करते हैं। तो हमने वो कल आइडेंटिफाई किया है, वो हमारा क्लस्टर है जो पोल्ट्री भी कर रहा है फीमेल्स, काफ़ी हमारा स्लम्स टाइप एरिया है वो, तो हम उनको भी फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कुछ हम कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ, कि वो फीमेल्स जो अभी उसके पास स्किल्स नहीं है सॉरी,
स्किल्स नहीं है और कैसे वो अपने बिजनेस आइडियाज ले सकते हैं। तो इसके अंदर हम जैसे एग्रो टूरिज्म है, दूसरे अदारे है, सविडा है, ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, हम इनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। दो के तीन के साथ हमारा अभी रिसेंटली हमने फूड पांडा के साथ एमओयू साइन किया है मेरे यूनिट ने। तो उसके अंदर हम जो उनकी होम शेफ्स हैं जो घर से खाना बना के फूड पांडा पे सेल कर रही हैं, हम उनको फाइनेंसिंग करेंगे कुछ अपने जो उनके किचन अप्लायंसेस हैं वो परचेज करने के लिए, ताकि वो मॉडर्न टाइप के कुछ अपने कुकिंग कर सकें घर बैठे हुए। फूड पांडा के चैनल से उनका सेल भी हो रहा होगा और बैंकिंग चैनल से उनको फाइनेंस भी मिल रहा होगा। ऐसे ही हम सबसे पहले उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनकी ट्रेनिंग करेंगे, फिर उनको बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, आपने आपने फेसबुक पेज कैसे डेवलप करना है और अपनी सारी ई कॉमर्स टाइप की जो चीज़ें हैं वो कैसे आपने हैंडल करनी है। उसके बाद आता है अगला मरहला फाइनेंस का। इसमें मैंने कहा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये दोनों साइड बाई साइड चल रहे होते हैं, तो इसके बगैर हम आगे मूव आउट नहीं कर सकते। तो हम ये दोनों काम ही नेशनल बैंक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमने ये लॉन्च कर दिया है। सेप्टेम्बर टू ऑनवर्ड ये हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च है, चल रहा है। आप किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे, नेशनल बैंक पूरे पाकिस्तान में हमारी 1300 ब्रांचेस से ज्यादा है नेटवर्क है, मोस्टली हमारा रूरल एरिया के अंदर हमारा पेनिट्रेशन है, बाकी बैंकों से कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इसलिए आपको ये वरी नहीं है कि बैंक हमारे पास नहीं होगा, आप जहाँ भी देखेंगे नेशनल बैंक की ब्रांच आपको आपके नियर अबाउट मिलेगी, और जिस ब्रांच में जाएंगे वहाँ पे आपको हमारा फैसिलिटेशन डेस्क मिलेगा स्कीम्स के लिए। तो इन केस ऑफ एनी इशू आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं किसी भी फैसिलिटेशन के लिए। हमारे हर रीजन के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेडिकेटेड स्टाफ फीमेल्स का नॉमिनेटेड है और मौजूद है इस मकसद के लिए। जी अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है जो कि नेशनल बैंक ने इसका स्टेप लिया है कि हम तो एकदम से फाइनेंस पे आ जाते हैं कि आप फौरन से लोन लें और काम स्टार्ट करें। लोन लेने से पहले जो है वो एक माइंडसेट जो आप तैयार कर रहे हैं कि पहले उनको एक ट्रेन किया जाए प्रॉपर तरीके से, जब वो इस काबिल हो जाएं कि अब वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं तो फिर वो आप उनको फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करें। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि इसको काइंडली एक दफा रिपीट कर दीजिएगा कि आप अगर जो फीमेल्स ऐसी हैं जो जॉब भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि अक्सर बैंक्स में जब हम लोन लेने के लिए जाते हैं तो आपके वो जो है वो अपनी सैलरी शो करनी पड़ती है कि इतनी आप सैलरी ले रहे हैं, तब आपको जो है वो असाइन किया जाता है लोन। तो इसमें एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड बता दें कि क्या सिक्योरिटी है और कितनी अमाउंट जो है वो ली जा सकती है और उसका उसको कितने अरसे में वापस रिटर्न किया जाता है। देखिए जी, जो सैलरी वाला लोन है वो आपका कंज्यूमर में आता है, उसके लिए आपको सैलरी शो करेंगे तो आपको कंज्यूमर फाइनेंसिंग वो देंगे। इस वाले केस में हम बिजनेस लोन दे रहे हैं फीमेल्स को, उसमें दोनों टाइप के बिजनेसेस हैं। अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप जीरो से शुरू करेंगे, अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसको एक्सपेंड करने के लिए भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी हमारे पास है। इसके अंदर अप टू 1 मिलियन हम कामयाब जवान, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें नेशनल बैंक वन ऑफ द टॉप बैंक है जिसने कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिस्बर्समेंट में और ऑनबोर्ड करने में कस्टमर्स को, हम उसके अंदर 10 लाख तक बगैर आपको सिक्योरिटी के लोन देते हैं। इसमें कोई मॉर्गेज आपको नहीं देना पड़ता और 10 लाख एक अच्छी अमाउंट है अगर आप बिजनेस सेटल करना चाह रहे हैं तो। उसके अंदर 8 साल में रिपेमेंट टाइम है और 3% उसका एनुअल मार्कअप है। उसकी अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपये पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनती है जो आपने 8 साल पे करनी, और 8 सालों में आपने 10 लाख के ऊपर तकरीबन 1,26,000 रुपया एक्स्ट्रा मार्कअप कीमत में बैंक को आपने पे करना है, जो कि बहुत नॉमिनल है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक के साथ या दूसरे बैंक के साथ तो वो बहुत हायर रेट पे चार्ज कर रहे होते हैं, और फिर वो जो बिजनेस अभी सेटल कर रहा है उसको अफोर्ड नहीं कर पाता वो डेट सर्विंग, अपनी जो मार्कअप का हायर रेट है उसका, अपना जो वो ट्रैप में चला जाता है कि लोन उसका मिस यूज हो जाता है, फिर वो प्रॉपर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाता। तो उसमें ये इसमें हमारे पास अप टू 1 मिलियन तो वो बगैर सिक्योरिटी के है, अगर आप ऊपर जाएंगे 1 मिलियन से अप टू 25 मिलियन तो फिर वो आपको सिक्योरिटी बैंक को कोई ऑफर करना पड़ेगी, इन केस वो प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई आपका गोल्ड हो सकता है या व्हाट सो एवर, जो भी आप प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी बैंक एक्सेप्ट करता है वो ऑफर करता है। तो 8 साल मैक्सिमम टाइम है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स जब मर्जी पे ऑफ कर दें, उसका कोई अर्ली पेमेंट चार्जेस या पेनल्टी नहीं है। ऐसे डिफरेंट स्टेट बैंक की हमारे पास स्कीम्स है जो 5% मार्कअप के ऊपर क्रेडिट गारंटी स्कीम है, कुछ हमारे पास SME फाइनेंसिंग चाहिए, कुछ जो हमारे लो इनकम हाउस होल्ड टाइप हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए फाइनेंसिंग है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस हमारा मेन ये ड्राइव करने की जरूरत है कि जो हमारी फीमेल्स हैं वो बिजनेस में इन हो, और सबसे पहले इनको फाइनेंशियली लिटरेट करने की जरूरत है कि हाउ टू एस्टेब्लिश द बिजनेस और उस पैसे को अपने प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है,
और मार्केटिंग स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, उसके बाद फिर हम उनको फाइनेंसिंग की तरफ लेके आएंगे ताकि वो उसको प्रॉपर यूज कर सके। कि लोन लेने से पहले उनको ज़हनी तौर पे लोन के बारे में प्रॉपर ट्रेन करना जरूरी है। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड बेसिक स्किल्स हैं, इसके क्या चार्जेस हैं और इनके भी क्या डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू, लाइक अगर कोई दराज पे शॉप्स खोलना चाहता है तो आप उसको जो उसकी बेसिक स्किल्स दें, या अमेजोन पे खोलना चाहता है तो उससे रिलेटेड किस तरह से आपके चार्जेस या पैकेजेस हैं? एक्चुअली हमारे हर रीजन के अंदर जो हमारा फीमेल ओरिएंटेड वुमेन चैंपियंस के नाम से स्टाफ है, जो हमारे बिजनेस हेड्स हैं, उनका एक प्रॉपर वहाँ पे मैकेनिज्म दिया गया है कि उन्होंने क्लस्टर आइडेंटिफाई करना है। और फिर आपके पास 20-25 फीमेल्स का क्लस्टर एक आइडेंटिफाई हो जाता है कि जो अपनी नीड के मुताबिक ट्रेनिंग लेना चाहती है, तो देन हम वहाँ पे 2 or 3 days का एक सेशन अरेंज करेंगे जिसमें वो उनको प्रॉपर सारे मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे, जैसे आपने कैसे इस्टेब्लिश करना है अपना दराज के ऊपर पेज कैसे बनाना है, अगर अपना फेसबुक पेज कैसे डेवलप करना है, डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर, फिर आपके कुछ बैंक के रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ आपकी बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है, तो 2-3 days के सेशन में वो सारा कवर अप होता है। ये एक्टिविटीज हमारी पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं और जहाँ पे मेरे को क्लस्टर आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम उसको वहाँ पे सेशन अरेंज करते हैं। उसमें से मीडिया भी हमारा पार्टनर होता है और डिफरेंट कोई और जैसे हमारे ट्रेनिंग जैसे एग्रो टूरिज्म है, ये इस तरह के नेचुरल डेवलपमेंट सेंटर है, कुछ हम यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है। बस हमें सिर्फ मेंटली तौर पे इस ड्राइव को प्रमोट करने की जरूरत है और फीमेल्स को थोड़ा इंकरेज करने की जरूरत है कि वो इस सिस्टम में इन हो और बजाय जॉब्स के लिए वो अपना बिजनेस खुद सेटल करें ताकि लोगों को वो जॉब्स दे सकें। थैंक यू सो मच ताई साहब। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो फीमेल्स जो किचन गार्डनिंग की तरफ आना चाहती हैं और उनके पास जो है वो घर में लैंड मौजूद नहीं है, और अब वो लैंड जो है वो आप किस तरह से वो क्या वो लैंड परचेजिंग की तरफ उनको जाना चाहिए, या किस तरह से वो इस फाइनेंशियल एड के थ्रू जो है वो अपनी जो है वो स्पेस क्रिएट कर सकती हैं जहाँ पे वो अपनी किचन गार्डनिंग कर सकें? जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे घराने हैं जिनके पास जो है वो स्पेशली लोग रेंट्स पे रहते हैं, उनके पास रूफ भी नहीं है और उनके पास आगे जो लॉन्स होते हैं हमारे यहाँ अवेलेबल वो भी नहीं है। तो अगर वो अपनी लैंड की तरफ जाना चाहें कि वो एक जो है वो कोई भी छोटी लैंड या स्टार्ट करना चाहें कि थोड़ा सा एरिया उनको मिल सके जिधर वो अपने किचन गार्डनिंग का जो बिजनेस है वो अगर स्टार्ट करना चाहें, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, किचन गार्डनिंग या स्मॉल फार्मिंग में जो एग्री टूरिज्म के जो आइडियाज हैं जिसपे खवातीन हम को उनको मोटिवेट करते हैं काम करने का, तो लैंड परचेजिंग में तो मैं समझता हूँ शायद ये बड़ा महंगा काम है लैंड को इनिशियली परचेज करना। उसके लिए अभी हमने बड़े कामयाब जो हमारे 2-3 प्रोजेक्ट हुए हैं उसमें हमने ये किया है कि जो ऑलरेडी फार्मर्स जो शहरों के नज़दीक रहते हैं उनके पास एक बेटर आइडिया नहीं होता कि हमने अपने लैंड को कैसे यूटिलाइज करना है। वो मैक्सिमम गंदम ग्रो कर देते हैं या उसके कुछ ऐसी चीज़ें ग्रो करके उसको छोड़ देते हैं, तो उनकी जो सालाना इनकम होती है वो यही को मैक्सिमम 1 lakh rupees उनकी जो है ना उसमें से वो इनकम अर्न कर रहे होते हैं। तो हमने ये क्या किया कि ये जो खवातीन हैं इनको हमने ट्रेन किया, उसमें मोस्टली अभी तक तो खैर खातून तो एक ही थी लेकिन मेल ज्यादा थे उसमें मैं, लेकिन खवातीन को उसको ओबे कर सकती हैं इसी मॉडल को। हमने बच्चों को जो है ना लड़कों को जो थे उनको ट्रेन किया कि आप ऐसे फार्मर जो ऑलरेडी 1 lakh rupees सिर्फ 1 साल का मैक्सिमम कमा पा रहे हैं, तो जब आपका आइडिया वहां पे इम्प्लीमेंट होगा तो आप 8-9 lakh rupees पर ईयर जो है ना वो कमा पाएंगे इस तरह के आइडिया से। तो हमने वो लैंड उनको फार्मर को कहा कि आप इनको कॉन्ट्रैक्ट पे ये जगह इनको दे दें या सम हो एक पार्टनरशिप हो जाए कि आपके जो पैसे ऑलरेडी ले रहे हैं उससे 50% आपको एक्स्ट्रा पैसे आपको इसमें से मिल जाएंगे, लेकिन आप इसके साथ एक पार्टनरशिप करें। तो उस पार्टनरशिप में जब एक हायर आइडिया उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डेफिनेटली वो हाई वैल्यूड क्रॉप लगाई जाती हैं, जो हाई वैल्यूड आइडिया से पैसे भी ज्यादा आते हैं। जैसे किचन गार्डनिंग में हमारा जो साजिद साहब की जो आपके से मैंने मुलाकात कराई थी एक दफा उनसे, माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं हमारे, बल्कि कश्मीर के इवेंट में हमारे साथ भी थे, तो उन्होंने 1 acre में, मैं आपको एक इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ कि 1 acre की इकोनॉमिक्स क्या हो सकती है, तो उन्होंने 1 acre में से जो किचन गार्डनिंग की 16 kitchen gardens उन्होंने 1 acre में बनाए। 10 marle का एक किचन गार्डन होता है और 1 10 marle का किचन गार्डन होता है वो सर्दियों में 32 kinds of vegetable जो होता है वो एक किचन गार्डन के अंदर मौजूद होती है,
और ये 32 काइंड ऑफ वेजिटेबल हर 10 10 मरले के किचन गार्डन में इसी तरह अवेलेबल होती हैं। उसको हमने रेंट अ किचन गार्डन का एक आइडिया इंट्रोड्यूस कराया कि एक किचन गार्डन जो है उसको रेंट आउट कर दिया जाए, और वो 6 महीने के लिए किचन गार्डन रेंट आउट होता है, 6 महीने उसकी तैयारी के लिए वो फार्मर को चाहिए होते हैं। और फार्मर का काम ये है कि उसने उसको जो है उसकी लुक आफ्टर करनी है, सब्जियां लगानी भी है, सब्जियों को उन्होंने जो है ना पानी भी देना, और जो सब्जियां तोड़ने के राइट्स हैं वो उस बंदे के हैं जिसने उसको रेंट आउट किया है। अब 10,000 रुपये हमने इसका 1 महीने का एक किचन गार्डन का हमने रेंट रखा उसका। अब 10,000 रुपये में ये बड़े नॉमिनल एक प्राइस है कि पूरे महीने की सब्जियां जो है ना आपको 32 तरह की सब्जियां जो है ना उसमें सैलड्स भी हैं, ब्रोकली है, एसबर्ग है, लेटस है, थाइम है, ओरिगैनो, बहुत तरह की सब्जियां वो एक उसके लिए अवेलेबल है। अब जब वो 1 एकड़ से हमने उसका जो रेवेन्यू देखा वो 9 लाख 9.5 लाख रुपया बनता है। अब 9.5 लाख रुपया जो है वो इट्स टू मच के वो एक एकड़ से वो आ रहा है। तो जब इस तरह के आइडियाज लेके खवातीन भी अगर आ जाएं तो वो बजाय अपनी जमीन खरीदने के वो इस तरह के आइडियाज लेके उन फार्मर के साथ या उन लोगों के साथ उनको जोड़ दें, एक उनका कॉन्ट्रैक्ट आपस में डेवलप हो जाए, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि फार्मर जो है उसको भी बेहतर इनकम मिलेगी, और वो जो खवातीन के लिए एक जगह का मसला है कि जगह कहाँ से आएगी, उनका वो मसला भी हल हो जाएगा। तो वो इसके लिए हम इस तरह के डिफरेंट इनिशिएटिव ये लेते हैं कि हमारा तो मकसद ही कनेक्टिविटी डेवलप करना है। तो हम खवातीन जब जहाँ पे हमने बहुत से जो ये स्टूडेंट्स के लिए मेल स्टूडेंट के लिए हमने ये काम किया है, तो वहाँ पे हम चाहेंगे कि फीमेल भी अगर करना चाहें तो उनके लिए भी हम इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है या उनको हम कॉन्ट्रैक्ट लैंड जो है ना वो लेके दे सकते हैं, जहाँ पे वो अपने जो है ना बेहतर पैसा इसे निकाल सकते हैं, किचन गार्डनिंग करें, वहाँ पे हर्ब्स फार्मिंग करें और छोटी अदर और कोई इस तरह की हाई वैल्यूड क्रॉप जो है ना वो लगा के बेहतर पैसा कमाएं। तो ये इस तरह से हम खवातीन के लिए अच्छी लैंड जो है शहरों के करीब उनके लिए अरेंज करके दे सकते हैं उनको। जी थैंक यू सो मच, आप दोनों ने आज मुझे ज्वाइन किया है और आज हमने जो है वो डिस्कस किया कि किस तरह से कितनी ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अब जो फीमेल्स हैं उनका सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा स्टेप लें, आगे आएं, बात करें, और उसके लिए देखें कितना अच्छा जो है वो नेशनल बैंक ने पूरा फीमेल स्टाफ भी क्रिएट कर दिया। तारिक साहब जो हैं उनसे आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ लेकर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइडियाज़ जो क्रिएशन है वो आप तारिक साहब से ज़रूर लर्न करें, और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं पे भी फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़े तो आप जो है वो जुनेद साहब से कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों के जो है वो प्रोफाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है, और आई होप कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो अब सामने आएंगी और हमारा साथ देंगी कि किसी तरह हम पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान इतने ज़्यादा पॉवर्टी का शिकार है, हम इसको पॉवर्टी से निकाल सकें। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी फीमेल की जो इतनी बड़ी तादाद है वो ज़रूर सामने आए और अपना जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।